Student, welcome once again, SDS Vidyapeeth, Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Dear student, today I will teach you class 2, subject science, unit 3, air and wind, lesson 8, air around us. प्रिय बच्चों, यह मैं आप लोगों को दोबारा रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ. कुछ बच्चों के मांग के अनुसार मैं दोबारा रिवीजन के तौर से पढ़ा रहा हूँ. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न एयर कंटेन्स मेनी थिंग्स. इस अध्याय में आप सीखेंगे हवा में कई चीज़ें होती हैं, विंड पवन, ब्रीज आंधी, स्टॉर्म तूफान. यूसेस ऑफ विंड, पवन के उपयोग के बारे में इस अध्याय में आप सीखेंगे. कहा गया है एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. कहा गया है एयर यानी कि वायु हमारे चारों ओर मौजूद है. वी कैन फील एयर, हम हवा को महसूस कर सकते हैं. व्हेन इट मूव्स, जब वह चलती है तो हम हवा को महसूस कर सकते हैं. यानी जब यह चलता है तो हम हवा महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, बट लेकिन वी कैनॉट सी इट, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. एयर इज इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. कहा गया है हवा सभी जीवित प्राणियों या चीज़ों कह सकते हैं के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है. हवा अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होगा या पौधे भी नहीं होंगे. इसलिए कहा गया है एयर इज इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. हवा सभी जीवित चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है. देखिए एयर कंटेन्स मेनी थिंग्स. हवा में कई चीज़ें होती हैं. होती नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं. पहला है एयर कंटेन्स डस्ट, यानी हवा में धूल होती हैं. देखे हैं आप हवा में धूल? बिल्कुल. अगर रोशनदान से सूर्य की किरणें अगर आती हो किसी कमरे में तो आप देखेंगे उस सूर्य की किरणों के सामने कुछ उड़ते हुए. उसे क्या है, हुआ डस्ट है यानी धूल है. डस्ट हैज वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक ए फाइन पाउडर. धूल में महीन पाउडर के बहुत छोटे कण होते हैं. टीनी पार्टिकल्स बहुत छोटे कण होते हैं. व्हेन एयर मूव्स, जब हवा चलती है, द लूसेस डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड गेट्स मिक्स्ड विथ इट. यानी कि जब हवा चलती है तो जमीन से ढीली धूल, यानी कि जो ऊपर की धूल होते हैं ढीले टाइप में, वैसे धूल को उसके साथ मिल जाती है. जब हवा चलती है तो जमीन की जो ढीली मिट्टी होते हैं, धूल होते हैं, वह हवा के साथ मिल जाते हैं. अनदर वन इज एयर कंटेन्स वाटर वेपर, यानी कि वायु में जलवाष्प होता है. कैसे पता चलेगा, देखिए वाटर प्रेजेंट्स इन रिवर्स लेक्स एंड सीस गेट हीटेड बाय द सनलाइट एंड बिकम्स वाटर वेपर. वायु में जलवाष्प है, कैसे नदियों रिवर्स लेक्स झीलों और एंड सीस और समुद्रों गेट हीटेड द सनलाइट. कहा गया है नदियों समुद्रों में मौजूद जल सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है, तब क्या होता है और जलवाष्प बन जाता है एंड बिकेम्स वाटर वेपर. दिस वेपर राइसेस एंड
goes into air. जब वह जलवाष्प बन जाता है तो क्या होता है, ये वाटर वे जलवाष्प हवा में जाके मिल जाता है, इसलिए कहा जाता है एयर कंटेन्स वाटर वेपर. अनदर वन इज एयर कंटेन्स जर्म्स इन इट, यानी हवा में रोगाणु होते हैं. जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिसीजेस, यानी हवा में रोगाणु होते हैं, रोग पैदा करने वाले कीटाणु छोटे होते हैं. डिसीजेस मीन्स रोग पैदा करने वाले कीटाणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं. वी कैनॉट सी जर्म्स, हम उन कीटाणुओं को नहीं देख पाते. देखते हैं नहीं देखते हैं, देखते हैं बिल्कुल नहीं, हम कीटाणुओं को नहीं देख सकते. वेन एवर, जब हम ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति स्नीज, छींकता है, स्पिट्स, थूकता है, और कफ, और खांसता है, द जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर. कहा गया जब भी कोई व्यक्ति छींकता है, थूकता है या खांसी करता है तो रोगाणु हवा में निकल जाते हैं. रिलीज इनटू द एयर, रोगाणु हवा में निकल जाते हैं. दीज जर्म्स, यही रोगाणु कैन बी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस. जब रोगाणु निकल जाते हैं, ये रोगाणु कीटाणु क्या होता है, हम सभी के लिए हानिकारक होता है. समझ गए, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे. अगले दिन इसी का पार्ट टू वाला वीडियो मैं बना के आप लोगों को भेजूँगा, तो अगले वीडियो के तक इंतज़ार कीजिए आप लोगों को. थैंक यू, धन्यवाद.